एल्डर गुलजार मसी गुजरांवाला गांव त्रिगड़ी से यहोवा यरी चर्च का एल्डर हूं। मेरी गवाही इस तरह है कि मेरी बेबी के पेट में असौली थी और पास्टर शकल फजल और पास्टर इमरान फजल से दुआ करवाई और खुदावंद के फजल से वो ऑपरेशन हुआ और कामयाब हुआ। यीशु ने ऑपरेशन किया, किसी डॉक्टर और ने नहीं किया। प्यारे भाई, कितनी देर से आपकी बीवी के पेट में रसौली थी? तकरीबन कोई दो साल। दो साल से थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कह दिया जी, लेकिन किसने कर दिया? यीशु ने। किसने किया? यीशु ने। हालेलुया, दोनों हाथों को मिलाकर 100 तालियां खुदा के जलाल के लिए। मिस्री में आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मेरा भाई ईरान गया था तो पकड़े गए थे, तो खुदा का शुक्र है कि सही सलामत आए। तो फिर हम यहाँ पे आए तो हमने पास्टर की शान से दुआ करवाई, तो उन्होंने बोला कि आपका भाई फिर जाएगा तो आप गवाही देंगे। कहाँ से आए हैं मेरी बहन आप? हम जलालपुर जटा से आए। और आपने बताया कि ईरान में आपका भाई पकड़ा गया था जी, लेकिन दुआओं के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार फिर से भाई किसने आजाद कर दिया? खुदावंद यीशु। हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर 100 तालियां खुदा के जलाल के लिए। जी मेरे भाई, मेरी गवाही इस तरह कि मैं बहुत बीमार हो गया था, तो मेरी उल्टी नहीं थी रुकती, 15 दिन सिर्फ उल्टी करता रहा हूँ, तो कोई मेडिसिन असर नहीं सी करती। फिर मैं मुनव्वर फजल से आकर दुआ करवाई तो उसी वक्त मैं ठीक हो गया, दोबारा मुझे उल्टी नहीं आई। फिर 15 दिन से मेरे भाई आप बता रहे कि उल्टियाँ आ रही थी आपको? कोई मेडिसिन असर नहीं थी करती, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही खुदा के खादम ने दुआ की तो मैं शिफा पा गया। किसने शिफा बख्श दी? यीशु ने। दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को फुली तौर पर, पूरा अपने हाथों को ऊंचा कीजिए, ले रही अपने हाथों को, दोनों हाथों को मिलाकर 100 तालियां खुदा के जलाल के लिए। जी मेरी बहन, मेरी गवाही कुछ इस तरह से, 2 साल हो गए थे हमारी शादी को और बेबी नहीं था, और खुदावंद ने अपना फजल किया और डॉक्टरों ने कहा इसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है तो आप DNC करवा लें, तो हमारा ईमान था कि खुदावंद इसे ही बहाल करेगा, और हमने दुआ करवाई पास्टर शौकत फजल से और इमरान बरकत से, और खुदावंद ने इसी को आगे बढ़ाया। खुदावंद के नाम। 2 साल हो गए थे आपके औलाद नहीं थी? नहीं थी। और जब खुदा ने फजल किया तो डॉक्टर ने क्या कह दिया? डॉक्टर ने कहा इसे रखने का कोई फायदा, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को रखने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आपने क्या किया? हमारा ईमान था कि खुदावंद इसे ही बहाल करेगा। तो किसने जिंदगी वाली औलाद दे दी? यीशु ने। किसने दी? यीशु ने। हालेलुया, नाम अपना का जिंदा खुदा जो पत्थरों में से औलाद पैदा करता है, 100 तालियां खुदा के जलाल के लिए।